Uh, इस सवाल में कहा गया है एक पार्टिकल है टेन ग्राम का जो कि एक सर्कल में घूम रहा है सिक्स पॉइंट फोर सेंटीमीटर के एक कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से वट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स दिस बाय द एंड ऑफ सेकेंड रिवोल्यूशन सेकेंड रिवोल्यूशन तक उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाती है फ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन सवाल क्या बोल रहे सवाल में कहा गया है कि एक सर्कुलर मोशन हो रहा है लेट से रेडियस है और इस सर्कुलर मोशन का जो टेंजेंशियल एक्सलरेशन है वो कॉन्स्टेंट है ऐसे केस में आप इस सर्कुलर मोशन को इक्वी वैलेंट लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कहने का मतलब अगर मैं ऐसा मानू अगर ये कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो पार्टिकल आपका यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट किया है और लगातार एक्सेलरेट करता हुआ अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है सिमिलरली यहाँ भी हो रहा है ये लगातार टेंजेंशली कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है और अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है यहाँ पे दो एंड दो सर्कल्स के बाद दो सर्कल्स के बाद जो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है वो है इतनी तो मैं यहाँ पे इक्वेशन यूज कर सकता हूँ वी स्क्वाइनस यू क्वल टू टू एस एक्सेलरेशन यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपकी ए है आपने ए मान लेनी है जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां तक दो सर्कल कंप्लीट किए हैं एक में टू पाई आर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और दूसरे में टू पाई आर तो फोर पाई आर वो हो गया फोर पाई आर अब देखें यहां पर हमें कहा गया है कि दो सर्कल कंप्लीट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो क्या मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं कैसे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय वन बाय टू एम वी स्क्वायर इस साइड वन बाय टू एम टू ए पाई आर दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी और ये आपका टू से टू कटेगा फोर पाई आर एम ए या ए विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन फोर पाई आर एम काइनेटिक एनर्जी इज एट इंटू टेन की पावर माइनस फोर फोर इंटू पाई आर यहां पर है सिक्स पॉइंट फोर सेंटीमीटर सिक्स पॉइंट फोर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर आपका नीचे हंड्रेड आएगा उसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ हंड्रेड आ गया और इनटू मास मास है टेन ग्राम टेन ग्राम को भी आप जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे नीचे थाउजेंड आएगा उसको ऊपर लेके जाएंगे तो थाउजेंड यहाँ पे आ गया इसको सोल्व करेंगे यहाँ से कट गया है एक जीरो यहाँ कट जाएगी ये आपकी एक दो तीन चार चार जीरो ये है और चार जीरो टेन की पावर माइनस फोर ये है यहाँ टेन की पावर प्लस फोर होगा तो ये टर्म इससे कट जाएगा आ, आपका बच गया है वन बाय पाई आंसर आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है इट विल बी टू बाय पाई इंटू सिक्स पॉइंट फोर थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है यहाँ पे थ्री पॉइंट टू के आसपास आंसर आएगा <coughs> देखिए वैसे तो ये आपका यहां तक सही है इसको फर्दर इस मैथमेटिक्स को कैसे करें मुझे हल्का सा आइडिया ये है मुझे पता पाई स्क्वायर की वैल्यू दस के आसपास होती है और सिक्स पॉइंट फोर है ये टू पाई के आसपास है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं टू अपॉन पाई टू पाई टू से टू कट गया पाई स्क्वायर वन बाय, पाई स्क्वायर इज वन बाय टेन पॉइंट वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके आसपास आंसर आना चाहिए पॉइंट वन के आसपास कोई आंसर है एक आंसर है आपका तो दिस इज योर करेक्ट आंसर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है मैंने पहले भी ऐसी ट्रिक बताई है जब भी आप न्यूमेरिकल्स में आपके ऑप्शंस थोड़े दूर दूर हों यहाँ तो बहुत दूर दूर नहीं है फिर भी लेकिन जहां दूर दूर हो वहां पे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल सकते हैं और यहां पे जो हमने एक कैलकुलेशन का पॉइंट सीखा वो है पाई स्क्वायर की वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेटली दस के बराबर मान सकते हैं थैंक यू